दोस्तों आपका गोपाल जी का नमन। अगर तंत्र में जाते हैं, पदार्थ तंत्र में जाते हैं, तो ये तो देखिए निश्चित है कि पदार्थ यानी कि मैटर में, और मैटर भी कण कण जर्रा जर्रा, प्रभु ने हर चीज में कुछ ना कुछ गुणधर्म जरूर भरे हैं, जरूर भरे हैं। मगर क्या है कि हमारे पास उस गुणधर्म को परखने का, उस गुणधर्म के अकॉर्डिंगली अपने अनुरूप लाभ उठाने का पहली दृष्टि नहीं है। वो हमारे पास, वो क्योंकि चर्म चक्षु हैं हमारे, हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि हम खोज पाए, बहुत ही रेयरली, बहुत ही गिनी चुनी चीजों के गुण धर्म खोज पाए हैं। तो जबकि तो जर्रे जर्रे में, आपने कभी सुना होगा कि बाबा, साधु बाबा, कोई सिद्धि योगी, कोई अघौरी एक चुटकी मिट्टी उठा के दे देता है किसी को, उसे लाभ हो जाता है। तो ये पदार्थ तंत्र में उस मिट्टी का, उस मृदा का कुछ गुणधर्मी तो है ना। तो ऐसे ही गुणधर्मों को देखते हुए मैंने सैकड़ों चीजों को कलेक्ट किया, उनको प्रैक्टिकली उनको अप्लाई किया, और फिर जैसा जहां मुझे अच्छे परिणाम मिले उसको मैंने लिपिबद्ध किया अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, और अब तो रिसेंटली अभी 2-4 महीने से इसमें ऑडियो के फॉर्म में देना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे अच्छे इनकरेजमेंट मिल रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पढ़ने का आज के पास समय नहीं है किसी के पास। देखते ना इस चीज को, किसको फुर्सत है पढ़ने की आज। तो ये घरेलू चीजों में, घरेलू चीजों की जो तांत्रिक सामग्रियां हैं बोलेंगे इनको, इनमें मैंने कुछ चीजें कलेक्ट करी। इसमें देखा काली हल्दी का बहुत जिक्र आता है, तो काली हल्दी के प्रयोग कैसे करें घर में, और वो इसको आप और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएं, वो मैं 2-4 आपको 5-6 ट्रिप्स बता रहा हूँ। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल, वो पर्टिकुलर पदार्थ, वो पर्टिकुलर तांत्रिक सामग्री उपलब्ध कैसे करें आप। क्योंकि देखिए क्या है कि जितना बेनिफिट हो रहा है लोगों को, उसका 1-2 गुना नहीं, उसका 1000 गुना कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है कि वो चीज अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर उसको बलात् उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको फैब्रिकेशन से, उसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करके, उसको केमिकली ट्रीट करके, तो उसका उसकी वही गुण भर देते हैं जो ओरिजिनल चीजों में होते हैं। गुण नहीं भर देते, रूप भर देते हैं केवल। रूप और गुण में तो अंतर होता है ना, रूप तो किसी को किसी का बना दीजिए आप, तो वो रूप भर देते हैं। और फिर उससे क्या होता है, आदमी लेता है उसका फल नहीं मिलता उसका, तो उसको कैसे करें, ये तो उपलब्ध करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास, मैं इसके वो भी इन सब चीजों के तांत्रिक सामग्रियों की परख की भी चीजें हैं, परख के भी तरीके हैं, तो वो तो संभव नहीं होगा। देखिए मैं अकेला इंसान, मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे साथ कोई भी एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट बैठ जाए, तो मुझे ये मेरा मिनिमाइज कर दे, जो मेरी ये क्लरिकल जो लेबर है, ये मेरी कोई मिनिमाइज कर दे, तो मैं तो R&D वाला व्यक्ति हूँ ना, मैं काम करूँ और मेरी चीज़ों को एक्सप्लॉयट करे कोई भी ऑल ओवर द ग्लोब, कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई अगर मिलता है मुझे, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें, मुझे बताएं, थोड़ा सा भी कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा भी। काली हल्दी ले लीजिए, काली हल्दी को कहते हैं कि अगर घर में ऐसे ही स्थापित कर लें, आप रख लें इसको, तो भी ये बड़ा शुभ होता है। और अगर रखने का मान लीजिए, इसको तरीके से अगर आप इसकी पूजा पाठ करते हैं, एक विग्रह, एक चैतन्य वस्तु मान के, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रावधान है, इसकी प्रतिष्ठा कीजिए। प्रतिष्ठा के अलग अलग मंत्र हैं, उसका भी मैंने जिक्र किया है। प्राण प्रतिष्ठा करके काली हल्दी अगर मिल जाती है, इसको घिसिए किसी चिकनी सरफेस पे, घिसने के बाद में इसमें से रस निकलेगा, इस रस का तिलक किया करें मॉर्निंग में। हल्दी ली कुछ नहीं करें, अपने जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, तो बस उससे पहले जैसे चंदन लगाते हैं ना, तो उसको घिसिए जितना भी, 2-4-5 बार घिसते हैं, और उसका हल्का सा स्पर्श अपने माथे पे, विशेष रूप से आज्ञा चक्र पे, दोनों भावों के मध्य उसका स्पर्श कीजिए। इससे प्रबल वशीकरण होगा, जो भी व्यक्ति आपको देखेगा आपको लगेगा कि वो मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, एक ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर देगी। सुख शांति हर एक व्यक्ति चाहता है,
उसके लिए बहुत अच्छा है ये वाला, अगर पति पत्नी दोनों अगर लेपन करते हैं इस तरीके से। और भी शुभ होगा अगर, जैसे मैं आपको बता दूं बड़ा गुप्त बात ये, अगर कहीं क्लेश है, कहीं अगर कंजुगल लाइफ डिस्टर्ब है, कहीं अगर फैमिली हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स हैं, काली हल्दी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, लड़के के लिए लड़की घिसे और लड़के के लिए लड़का घिसे, जो लड़की घिसे उसको लड़का लगाए और जो लड़का घिसे उसको लड़की लगाए, माथे पे स्पर्श करे, तिलक करे, अगर अच्छा लगता है तो तिलक करे, नहीं अच्छा लगता तो माथे स्पर्श करे, इसे बहुत अच्छा लगेगा। इससे इसने आप देखिए कितना दिन ब दिन इससे इसमें इसने बढ़ता चला जाएगा। लक्ष्मी की साधनाओं के लिए सैकड़ों तरीके हैं, सैकड़ों क्रम उपक्रम है, लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। अगर काली हल्दी नाग केसर बड़ा सरलता से मिल जाता है, जो पंसारी होते हैं जो देसी दवाएं बेचते हैं, साबुत धनिया, ये तीन चीजें लाल कपड़े में लपेटें और कहीं अपने पूजा के स्थान में रख दें, कहीं वहां रख दें जहां आपके पैसे रखे जाते हैं। आप देखें कि आपको धन की आगत के लिए कितना शुभ होगा। और सबसे अच्छा जो ये विग्रह स्वरूप पोटरी बच जाएगी आपकी, इसको अगर आप वहां रखते हैं जहां से आपका मनी ट्रांजिट होता है सारा, तो आप देखेंगे कि उससे बरकत होने लगी, उससे अच्छा लगने लगा आपको। अगर कहीं लगता है अनयूजुअल चीजों से पीड़ित हैं, जैसे मैं आम भाषा में सुनने में आता है ना, किसी ने कुछ कर दिया या प्रीत बाधा हो गई या ऊपरी हो गई, मैं दोस्तों इन चीजों को कतई नहीं मानता। मैं बिल्कुल इस मामले में आर समाजी हूँ, इस मामले में मैं बिल्कुल कट्टरवादी हूँ और बिल्कुल एक हेल्दी मानसिकता का व्यक्ति हूँ। छोटी इस टाइप की चीजों को मैं एनकरेज नहीं करता बिल्कुल, मगर ये भी नहीं कहता, सुपरस्टिशंस को मैं नहीं मानता, मगर ये भी नहीं कहता कि नहीं है। देखिए एग्जिस्टेंस है, मगर वो सिर्फ मात्र 2, 4, 5, 10%, 80%, 90%, 95%, 99% मैं कहूंगा कि पैनिक क्रिएटिंग ज्यादा है, पैनिक क्रिएशन ज्यादा है। और वो पैनिक क्रिएशन इसलिए कि उस पैनिक क्रिएट करके व्यक्ति फिर उसको डराता है, और फिर व्यक्ति डरेगा तो डर के होता ना कि वो भागेगा चीजों के लिए कि मैं क्या करूं, कि मेरा भय बहुत बड़ी चीज है। वो पहले भ्रम पैदा करना, फिर भय पैदा करना और उस भय को कैश कराना, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप देखिए मेरे जितने क्लाइंट्स हैं मेरे, मुझे कोई बता दे कि मैंने किसी को कभी डराया हो। अगर ऐसा कभी लगता है 1%, 2%, 5%, तो काली हल्दी उपलब्ध करिए, लौंग लवंग कुछ ले लीजिए, कोई संख्या नहीं है, एक जायफल ले लीजिए। इन तीनों चीजों को काली रात में, अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या की रात में कपड़े में रैप कर लीजिए, कोई भी कपड़ा हो, अगर काले रंग का कपड़ा हो तो और भी अच्छा है, और इसको अपने घर में स्थापित कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, अनयूजुअल चीजें हो रही हैं, जो प्रॉस्पेरिटी में कमी आ रही है, जो बरकत में कमी आ रही है, जो अनइनवाइटेड डिजीजेस दस्तक दे रही हैं घर में, घर के परिजनों को परेशान कर रही हैं अनयूजुअल कारणों से, तो ये जो पोटली बनाएंगे आप, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। काली हल्दी एक मिलना मुश्किल है, अगर अनेक मिल जाएं तो इनके गोल गोल बीट्स बना लीजिए, इन बीट्स को पिरो के इनमें छेद इनकी माला बनाइए, और माला बना के इन मंत्रों से आप ग्रहों का जाप किया कीजिए, जो पीड़ा कारक रहे हैं, ये जो पीड़ा कारक और अन्य कारण हैं पैदा हो रहे हैं, उनके निमित्त अगर कुछ कर रहे हैं तो इस हल्दी से जाप कीजिए आप। और अगर कोई जाप नहीं करते हैं तो मैं सबसे अच्छा दुर्गा के नवान मंत्र को मानता हूँ, ओमिंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, क्योंकि ये कवच है। अगर इससे काली हल्दी हरिद्रा की काली हल्दी की माला से अगर आप जाप करेंगे तो प्रभाव आपका और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा, और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। हल्दी ले लीजिए अखंडित एक, साबुत सुपारी एक ले लीजिए और काली हल्दी एक रख लीजिए। ये आप कहीं भी पोटली बना के इसको रख लीजिए, ये इसको गणपत स्वरूप मानिए कि ये हल्दी, क्योंकि हरिद्रा को हम गणपत स्वरूप मानते हैं। और इसमें एक धूप, अगर नित्य संभव नहीं है तो मंडे को एक धूप घास, इस जो आपने ये विग्रह लिया ये वाला बनाया, इस पे चढ़ा दीजिए और गणपति जी का आह्वान कीजिए, गणपति जी का इस
का स्मरण कीजिए, गणपति जी का बीज जपिए, गणपति जी का मंत्र जपिए, गणपति जी का स्तोत्र जपिए, गणपति जी से रिलेटेड कुछ भी कीजिए, उनके 12 नाम जपिए, उनके 108 नाम जपिए, उनके लक्ष्य नाम जपिए, उनके कोटि नाम जपिए, जो भी होते हैं। और सबसे सरल, हम तो कहते हैं कि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं ना, उनको तो एक 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 पुष्प अर्पित कर दें, पुष्प ना भी मिले तो अपनी अपनी प्रेमांजलि, अपने अश्रु प्रभाव प्रेमांजलि, प्रेमांजलि वो अर्पित कीजिए, उसी देव प्रसन्न हो जाएंगे। और गणपति जी का कुछ नहीं मिलता तो ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। अब मेरे दोस्तों जो लोग गम बोलते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, गम। भैया गम गम करोगे तो गम ही तो मिलेगा ना, उसमें उसमें पूर्ण प्रताप कहाँ मिलेगा। बीज मंत्रों को दोस्तों बहुत संभाल के, बहुत प्यार से, बहुत ज्ञानवान बन के तब इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये लाभ के स्थान पे आपको पता नहीं क्या देंगे। इसको सोच समझ के तब फिर इनको यूज करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। हल्दी का, काली हल्दी का छोटा सा प्रयोग, बहुत ही छोटा सा प्रयोग, सैकड़ों प्रयोग ऐसे मेरे पास, मेरी डिक्शनरी में, मेरी माइंड की डिक्शनरी में मेरे संजोए हुए हैं, मेरे पास हैं। मैंने वही कहा कि दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ कोई है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, मगर वो व्यक्ति जो पैसे का लालची नहीं हो, अगर पैसे का लालची है तो फिर दूर से सलाम है। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स वंस अगेन।